नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन मंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बना अधिकारियों का क्रीम प्रोजेक्ट। रायसेन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं सांची विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर प्रभु राम चौधरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में गोपालपुर से लेकर खरगावली तक जो 32 करोड़ के रोड का निर्माण करवाया है वो बार बार उखड़ जाता है। अब लोग कहने लगे हैं कि मंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट अधिकारियों का क्रीम प्रोजेक्ट बन गया है। अब इस रोड बनने में कैसे भ्रष्टाचार होता है? उज्जैन के रहने वाले ठेकेदार इकबाल हुसैन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा है, जिसकी एक कॉपी हमारे चैनल को भी उपलब्ध हुई है। उन्होंने पत्र में लिखा है, सड़क बनाने में बिटुमेन डामर सबसे जरूरी होता है। मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों में कई सड़क बनी है, लेकिन गुणवत्तायुक्त डामर का उपयोग न होने से सके जल्दी खराब हो जाती है। PWD विभाग ने आज तक गुणवत्ता के लिए कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है। केंद्र ने कई बार गाइडलाइन बदली, MP ने ध्यान नहीं दिया। ठेकेदार का कहना है कि केंद्र सरकार ने पिछले सालों में अपनी गाइडलाइन कई बार बदली, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मध्य प्रदेश की अपनी कोई गाइडलाइन नहीं है, इस वजह से सड़क बनाने वाले ठेकेदार डामर के नाम पर GST की चोरी और फर्जी बाड़ा कर रहे हैं। ठेकेदार महाराष्ट्र गुजरात के इम्पोर्टेंस से डामर लेकर सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के फर्जी बिल लगा रहे हैं। जिस गाइडलाइन का अनुसरण करने को कहा जाता है, उस गाइडलाइन में PSU का ही डामर उपयोग करने का प्रावधान है। ऐसे हो रहा डामर का फर्जी बाड़ा। सड़क बनाने में उपयोग होने वाला डामर रिफाइनरी में तैयार होता है। मध्य प्रदेश की जरूरत के मुताबिक रिफाइनरी से डामर नहीं मिल पाता, ऐसे में ठेकेदार सस्ता डामर खरीदने चक्कर में महाराष्ट्र और गुजरात से खरीदारी करते हैं। इसके बदले में वह सरकारी उपक्रमों की मिल कंपनियों के फर्जी बिल लगा देते हैं। इस खराब क्वालिटी का डामर सड़क निर्माण में उपयोग होने और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर GST की चोरी होती है। एक सीजन में करीब 500 से 1000 करोड़ का इम्पोर्टेड डामर मध्य प्रदेश में बेचा जाता है। डामर को लेकर कोई नियम न होने के कारण ठेकेदार कहीं से भी डामर ले लेते हैं। डामर के सप्लायर सरकारी रिफाइनरीज के बिल के साथ डामर देने को राजी हो जाते हैं। इसका अधिकांश भुगतान नकद में किया जाता है। शायद ये वजह भी हो सकती कि रायसेन की सड़क भी बार बार उखड़ रही है। क्या बोले रायसेन के नागरिक? एक नागरिक हरीश मिश्रा कहते हैं कि इस सड़क में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें कई लोगों का हिस्सा है, जनता को इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। एक और नागरिक कैलाश गौर कहते हैं कि यह पहला ऐसा रोड देखा है जो 3 साल में 13 बार बन चुका है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार को रोड बनना ही नहीं आता। उन्होंने चैनल का धन्यवाद देते हुए कहा कि आपका चैनल इस मुद्दे को बार बार उठा रहा है, इसलिए उसे ठेकेदार को बार बार इसकी रिपेयरिंग करना पड़ रही है। उन्होंने चैनल का साधुवाद किया। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। गोपालपुर से जो खरगावली तक रोड बन रहा है उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? हाँ, रोड बन रहा है, रोड से काफ़ी उम्मीदें भी थी लोगों को, लेकिन 3-4 वर्ष हो गए हैं उसको बने हुए क्या बन ही रहा है, काम चल रहा है और लाइटें अभी तक लगी नहीं है और लगभग 12 से 13 मरतबा उसकी रिपेयरिंग हो चुकी है, लेकिन पता नहीं कैसी उन्होंने टेक्निक से बनाया है कि वो बार बार क्यों उखड़ रहा है। अभी तक ऐसा रोड कभी नहीं देखा कि जो इतनी बार इसकी रिपेयरिंग हुई हो। 4 वर्षों में 13 बार कम से कम रोड को बना चुके हैं वो, लेकिन इसके बाद भी फिर उखड़ जाता है कहीं से ना कहीं से। और दूसरा मेरा कहना ये है कि अभी त्यौहारों का समय चल रहा है, अभी गणपति जी हुए हैं, अब नवरात्रि आने वाली, पितृपक्ष चल रहा है, तो कम से कम शासन को जल्दी से जल्दी लाइटों की व्यवस्था कर दें। अंधेरा लगा हुआ है, जानवर बैठे रहते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज लोग गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तो शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। लाइटें जल्दी से जल्दी लगवाएं, स्ट्रीट लाइट दरगाह वाले रोड पे भी और ये गोपालपुर से लेके और खरगावली तक जो बना है इस पे भी लाइटें तुरंत लगना चाहिए। एक बात बताइए, जो रोड बार बार उखड़ रहा है इसमें आप उसका दोष मानते हैं? इसमें मुझे लगता है कि ठेकेदार को रोड बनाना ही नहीं आता, उसने बहुत सारी कमियाँ शुरू से ही रखी हैं। फॉर्मेलिटी पूरी की है उसने, पैसे का दुरुपयोग है, सीधा सीधा उसको रोड बनाने नहीं आता। तो
तो उसको जो ठेका दिया गया उसमें मतलब गलती हो गई है। हाँ, अब ये शासन को सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को क्यों ठेका दे रहे हैं जिसको रोड बनाना ही नहीं आता। उसने जगह जगह कोई काम पूरा नहीं किया अभी तक, कई जगह तो लीवा पोती कर दी है उसने। एक जगह जो विद्युत मंडल के यहाँ पे जो एक पुलिया बनना थी वो पुलिया ना बन के और पुरानी पुलिया के ऊपर से ही उन्होंने उसको कर दिया है, रोड बना दिया है। आपका चैनल जो है ये लगातार इस रोड से संबंधित खबरें लगा रहा है और इस खबरों का ही परिणाम है कि बार बार ठेकेदार को मजबूर होना पड़ता है रिपेयरिंग करने के लिए। और आप बधाई के पात्र हों कि आप लगातार इस जनहित के मामले को उठा रहे हैं। क्या नाम रखते हैं? फिलहाल लगातार भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। रायसेन में इस सड़क का मुद्दा हमेशा जनता के द्वारा उठाया गया लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया। जांच के नाम पर इसको टाला जाता है। अभी वर्तमान में देखा जाए सड़क निर्माण पूर्ण नहीं हुआ फिर खोदना शुरू हो जाती है जिससे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यदि देखा जाए तो रायसेन नगर में जनता को इसके प्रति गंभीरता से आंदोलन करना चाहिए क्योंकि इस सड़क के कारण भविष्य में जनता को बड़ी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। क्या लगता है भ्रष्टाचार हुआ इस सड़क में? बहुत अधिक भ्रष्टाचार है। इस सड़क का भी अजीब किस्सा है और 32 करोड़ में श्रीमान का भी हिस्सा है। बहुत सारे श्रीमान हैं जो इसमें हिस्सा ले गए जिसके कारण इस सड़क की दुर्दशा इस तरीके की हुई है। क्या नाम लेते हैं? हरीश मिश्रा, NTR ट्रेडिंग फ्रंट, राष्ट्रीय संयोजक।